जितने मेरे हाथ में आ जाए देखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, आप सबके सामने हूँ। और आज जो है ना नीला तोता मैं बनी हुई हूँ। मैंने कहा कि कोई ना ऐसे मतलब के ब्राइट कलर जो है ना पहना जाए आज। और आज हम किधर जा रहे हैं? आज भी बिल्कुल हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी सहारा सेंटर पे, जो कि दुबई और शारजा के बॉर्डर पे है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखूँ यार कैसे है, और मतलब जो है ना दुनिया घूमे बंदा, साथ साथ आपको भी पूरा पकड़ के घुमा दूंगी। तो सब मेरी वीडियो के साथ बने रहें और बहुत ही मज़ा आने वाला है। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चले जी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद जी। तो भाई ने जो है आने से मतलब बोला कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैंने कहा कि क्यों ना जाए मैं नेल पॉलिश लगा लूँ, और वो मैं लगा रही हूँ साथ साथ। और अभी रूम की जो है क्लीनिंग भी करके गई हैं बिल्कुल, और जल्दी जल्दी मैं 5 मिनट में जो है ना आज तैयार हुई हूँ। थोड़ा अपना टाइम जो है जल्दी लगाया, लेकिन शुक्र अल्लाह का अच्छा हो गई हूँ। और बस अब जाना है, शॉपिंग भी करनी है आज दोबारा। भाई आ गई है, उन्होंने बोला है कि आ जाए, मतलब कि आ जाए, मतलब अब मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लेकिन तीनों लिफ्ट जो है ना खाली होने का नाम नहीं ले रही, और कोई भी नहीं आ रहा। चले हम ना थोड़ी सी हैंड जो है सैनिटाइज कर लेते हैं अच्छे से। कैमरा मुझे पकड़ा दें और आप भी कर लें सैनिटाइज हैंड। चले आगे लिफ्ट आओ। चलो 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 बाकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम जी। तो आलम जो है वो भी खुश हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सैड है क्योंकि आज मामा नहीं है साथ, इसलिए और मिला भी नहीं है। आप कम बिल्कुल नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए। और ये देखिए आलम को देख लिया। बेबी बना हुआ है वो। चले जी अब हम आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जी। तो घर से हम निकल गए, ये खान रोड पे है, और जो है अब हम लोग सहारा सेंटर की तरफ बिल्कुल गामजन है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं इधर, और माशाल्लाह से आप इसका फ्रंट व्यू जो है ना वो देख लें किस कदर कमाल का है। मैंने कहा कैप्चर कर लूँ, मतलब कि ना बड़ी डिसेंट सा है, डिसेंट सा ब्यूटीफुल सा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। अंदर से भी आपको अंदर से भी विज़िट कराती हूँ। उस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और बहुत ही मज़े का मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है? और अब हम लोग देख रहे थे कि इसकी पार्किंग किधर है, ठीक है? और मतलब यही होता है कि बंदा अपनी डिस्टिनेशन तक पहुंच के यही सोचता है कि पार्किंग का जो है ना मेन प्रॉब्लम होता है कि वो किधर होगी। बंदा अपनी गाड़ी लगाए फिर घूमे फिरे आराम से। और मौसम जो था बड़ा अच्छा था, नॉर्मल सा था। इधर जो है हम लोगों ने अंदर आके पार्किंग के लिए, और काफ़ी जो है क्राउड था आज ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। और लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का जो है ना टाइम से जगह मिल गई थी, मतलब हम लोगों ने पार्किंग अपनी जो है लगा ली थी। बहुत ही मज़ा आया था सच में, और आलम ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। आप भी इंटरटेन लाजमी होइएगा आगे, आप वीडियो में देखेंगे काफ़ी जगह पे कि अपनी चाचू से वो कितना प्यार करता है। तो ये देख लें आगे, अब हम लोग जा रहे हैं। तो जी तो हम लोग आ गए हैं मॉल में, और आलम को मैं कह रही थी कि आपने सबको सलाम नहीं करना, इंट्रो ही दे दो। तो वो बहुत ही आहिस्ता सा कह रहा था, वैसे जैसे वो ऊंचा बोलता है ना, मतलब कि उससे नहीं बोलने हो रहा था। मैंने कहा ऊंचा बोलो, मुझे कम्पीट करो। कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको सुना देती, पीछे म्यूज़िक था। इसलिए मैंने कहा कि चले ना वॉइस ओवर कोई प्रेफर करते हैं हम लोग। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं, भाई भी हैं, और आलम जो है वो भाई के साथ जो है खुश हुआ है। और साथ में हम लोग अब शॉप में एंटर हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस थी इधर, तो ये सारे स्लीपर्स आप देख ही रहे हैं, साथ साथ प्राइसेस मेंशन थी जिस चीज़ की, ताकि बार बार जो है ना हम जो है वो उनको डिस्टर्ब ना करें। इधर मैं थोड़े फेस के एक्शन बना रही थी कि इंग्लिश ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। और ये बच्चों के लिए टॉयज थे काफ़ी ज़्यादा, देख लें आप, मतलब कुछ कुछ कूँ से थे, कूट से नरम से। और ये जो सारी वॉल थी ये देखें, परफ्यूम्स के साथ डेकोरेट की हुई है, ये सारे परफ्यूम्स हैं। और ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही कमाल की है। और मैं जीशान से पूछी थी कैसे निकाल के मतलब कस्टमर्स को देते हो, कहती हैं कि जैसे उन रख लिया दे भी देते होंगे। ये बस हम पीछे आलम को भी कैप्चरिंग कर रहे थे साथ साथ में, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से करता है, रहना उसने हमारे साथ ही है, और प्यार भी उसने करना है पापा के साथ भी रहना ही। देखें अब चाची की उसकी जो है ना नोक जोंक चल रही है साथ में, आपस में खुश हो रही है साथ में। और इधर जो है अब हम लोग बड़े मतलब परफ्यूम्स थे, उनकी फ्रेगरेंस बहुत कमाल की थी,
वो हम भैया चेक कर रहे हैं अपने लिए, अतर भी थे इनके पास तो वो हम लोग देख रहे हैं। और मैं तो साइड पे खड़ी हो गई थी साथ में आपको ऐसा, और हमेशा छींक भी आ जाती है, ये ऐसा होता ही है। और काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स थे, लेकिन एक जो था ना उसकी स्मेल बड़ी मैसी सी थी, और इन्होंने हमें चेक कराया वॉमिट होने लग पड़ी थी बिल्कुल, भाई का भी, आलम भी और मैं भी अब हम उनके साथ लगे हुए थे कि हमने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। बहरहाल जो है एक परफ्यूम जो था अतर सॉरी वो पसंद आ गया था। और जुम्मे में वैसे भी जो है मर्द हज़रात खुशबू लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन्नत होती है, लगानी भी चाहिए। ये मैं इनको कह रही हूँ कि ले लें, और भी कोई चीज़ चाहिए हुई तो मेरे जो है ना पर्स फुल है आपके लिए जो आपका दिल है आप ले लें ईजी होके जी। तो ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं सब, और मैंने आज ना बाई चांस हील वाले शूज़ पहने थे, मैंने कहा चार्ज पहन लेती हूँ, थोड़ी सी हील थी, मैंने कहा आज मैं तो पक्का फिसल जाऊँगी, ज़िशान की जो है ना विश पूरी हो जानी है। लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा कोई नहीं हुआ, किस्मत हमेशा मेरे साथ होती है। इधर हम लोग बच्चों के प्ले एरिया में आ गए थे, और सॉरी इधर सारे जो है ना होटल्स हैं, आप इधर से KFC खा सकते हैं। मुझे सीन बहुत ही कमाल का लगा था, एक छोटी सी बच्ची मतलब 5 साल की आप कह लें, 4-5 के, वो सबकी पिक्चर्स बना रही है, मतलब कमाल हो गया। इधर अब हम लोग ट्राई में थे, हम एक दूसरे को बता रहे थे ऐसे नहीं ऐसे थंबनेल जो है ना बनाना है, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सीन था ये वाला। तो थंबनेल की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने कहा जी जो तनी है ना ये हैंड बैग यार पक्का ये टूट जानी है, या तो शीशा ने परे जाके गिरने या फिर मैंने ये हमने बिहाइंड द सीन जो है वो भी आपके साथ ऐड किए हैं। आलम जो है वो भी अपना फुल जो है ना रोल प्ले कर रहा है इस सीन में, बहुत ही मज़ा आया था माशाल्लाह, जो है ना फन क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा वीडियो बना के। ये अब हम बच्चों की जो है शॉप में आ गए थे, और आलम के लिए जो है चॉइस वॉइस देख रहे थे, और साथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब है इधर चॉइस थी बच्चों के लिए हर तरह की जो है ना चीज़। इधर आपका कोई बहाना नहीं चल सकता, बच्चों को आप नहीं बिला सकते बिल्कुल भी, इधर ये चीज़ नहीं है ये नहीं है। बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, वो जो है ना कहते हैं वो जो पापा हमें चीज़ चाहिए थी मामा चाहिए थी वो पड़ी हुई है। और इधर जो है साइकिल की जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी बच्चों के लिए, साथ साथ प्राइसेस जो थी मेंशन थी 639 दिरहम में ये थी। अब हम लोग आ गए थे बाहर, और बड़े मज़े का सीन था पीछे का सारा, मैंने सारा व्यू है, और ये नोवा सिनेमा, इधर आप मूवी भी देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी, ये भी कमाल का था। इधर जो है ATM की जी फैसिलिटी भी है, आपने अपने पैसे निकलवाने ईजीली निकलवा सकते हैं, मतलब कि जो है ना लाइन बनी हुई है। और ये अब हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमें और भी काम थे जी। तो हम लोग आ गए सारा सेंटर थे, और जो है ना काफ़ी भारी भरकम प्राइस में हर चीज़ थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही रीज़नेबल जगह पे जिधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी ठीक है, और बहुत ही अच्छी मतलब कि वो है कि क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़ वो वाली बात नहीं है, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और मुझे पता है कि मैं पूरी मासी लग रही हूँ लेकिन एडजस्ट करें कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। तो चले अब हम लोग चलते हैं, पार्किंग में आ गए हैं, अब हम लोग उधर जा रहे हैं जी। तो जब आप दुबई महल मतलब कहीं भी जाएं, और कार पार्किंग में फैसिलिटी होती है कि आपकी कार जो है वो वॉश कर देती हैं, आई थिंक 15 to 20 dirhams में, लेकिन बहुत जो है ना मतलब आप देख रहे हैं 2-3 उनके जो है मतलब लगे हुए हैं काम करने, कस्टमर लगे हुए हैं। और साथ में अब हम लोग आ गए हैं दिल्ली न्यारी में, इधर का खाना जो है बहुत फेमस है मैंने सुना है, सुने ही नहीं बल्कि जाके जब देख भी लिया था माशाल्लाह, टेस्ट से काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का, और हाउसवाइफ्स को तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये सारा मेन्यू कार्ड था मैं देख रही थी साथ साथ में, तो हमारा आ गया था ऑर्डर, थोड़ी टाइम लग गया था आई थिंक 15 मिनट, तो निहारी रोटियां अभी सिर्फ ही आई थी, मैंने कहा बाकी सारा आ ले फिर मैं जो है ना सर्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर साथ में बारबेक्यू भी आ गया था, इनका स्टाइल चेक करें जो बेलना होता है रोटी वाला, तो जो है उसमें मतलब उन्होंने चिकन रखा हुआ है बहुत ही कमाल का था, और आलम जाए इसको सख्त भूख लगी हुई थी इधर। और साथ में देख लें अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप में आ गए, इधर हर तरह की देसी चीज़ें हैं जैसे कि पाकिस्तानी ग्रामीणों में बहुत यूज़ होती हैं, हल्दी देख लें उन्होंने खुश की हुई है, चॉकलेट्स और चलगोजे खुबानियाँ बादाम हर चीज़ आपको हर चीज़ इधर से मिल जाएगी। वो शामी बीज जो हम छोटे होते बहुत खाते थे, हमें डांट पड़ती थी गर्म में आँखें आँखें पीली हो जाएंगी, नहीं खानी ऐसे नहीं करना, हर चीज़ जो है ना, इलायचियाँ भी थी इधर, दालचीनी काली मिर्चें, और इधर जो है खुश्क मेवा जात हर किस्म के थे, नीचे भी इन्होंने रखे हुए थे पिस्ते चलगोजे। और आलम जो था सारी चॉकलेट्स जो था ना आज उसने चाची को देनी थी सारी, तो मुझे दे रहा था ये रख लें आप। और ये इधर की खजूरें माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश और बहुत ही कमाल की थी इधर सारी, सारा ड्राई फ्रूट हर किस्म का, अंजीर
और हर चीज़ जो है ना आपको मिल जाएगी। साथ में अब हम लोग आके परफ्यूम्स की शॉप पे, क्योंकि ये जो है आप किसी को ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा गिफ्ट होता है और बहुत ही जो है ना बहुत ही अच्छा होता है, सब खुशी महसूस करती हैं दे लेके। मतलब कोई भी चीज़ हो ना तो कमाल की होती है। और फ्रेगरेंस वैसे भी आपकी एक याद होती है, एग्री करते हैं इस बात से कमेंट्स में आके बताएं वाकई। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ फ्रेगरेंस से, ये मेमोरी मतलब होती है। अब अगर मेरा शादी का कोई परफ्यूम है मैंने रखा हुआ, क्यों, क्योंकि मेरी शादी की यादें हैं और मतलब बहुत अच्छी ये बात होती है। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इनके पास थी, अतर थे और वैसे भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। ऊपर आपको मेकअप किट्स भी सारी नज़र आ रही होंगी सारी। और ये जो है हमने कंबल लिए थे, 3 हमने ले लिए थे और बहुत ही मतलब इनकी वैरायटी जो है ना कमाल की थी। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी, इधर से देख लें, काफ़ी भारी भरकम थे, दुकान वाले खुद जो है गाड़ी में रखने आए थे। तो हम लोग घर आ गए हैं और इतना सामान उठाया ना, बस भी दर्द कर रहे हैं। तो ये देख लें आप सारा अंदर ही, आपको कोक भी नजर आ रही है, ये भी मैं ले आई हूँ पीने के लिए, सारे जो है ना परफ्यूम्स जो है आज मैं ले आई हूँ अपने रिलेटिव्स को भी देने के लिए, अपने लिए भी ले आई हूँ। और साथ में मुझे जो ये है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है फोक, और साथ में इनके लिए ली है फिर लवली, और ये लिया है कोकोनट ऑयल। बाकी सारी चीजें ऐसी है, परफ्यूम्स हैं और वो आप देख लें। चले जी, इससे आपको करते हैं थोड़ा साइड पे और अगला जो है पार्ट आपको दिखाती हूँ क्या और क्या लिया हमने। तो परफ्यूम्स तो आपने काफी देख लिया, आप कमेंट्स में ये कह रहे थे यार आप कोई शॉपिंग करती हो बहुत छोटी मोटी करती हो, और आप कैमरा जरा इधर दौड़ाए, छोटी मोटी शॉपिंग आपको नजर आ रही है ये। अब जो है ना सारा ड्राई फ्रूट ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें से आप ये देख लें, सब इलायची, बादाम, खजूरें, और ये आपको चॉकलेट्स नजर आ रही होंगी, ये काजू, और ये जो है ना मिक्स, ये मैंने स्पेशल बनवाया। मैंने कहा इसमें सारी चीजें जो भी है ना सारे मेवा जात होने चाहिए और सर्दियां जो है ना सुकून से निकल जाएंगी। 1 kg का जो है ना मिक्स है और बाकी हाफ के जी के, बाकी हाफ के जी के हैं। और ये जो है अखरोट मतलब निकाले हुए, ठीक है, निकालने भी नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, मतलब हमने काफी तोड़ रही होती थी बिल्कुल। और वो डंडा लेके आना, फिर उसकी आवाज, खजूरें भी हैं जी, खजूरें ये अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा पसंद है, ये उनके लिए मैंने स्पेशल ली है, ठीक है, और वो ना बहुत शौक से ये खाते हैं खजूरें, तो मुझे पता था इस बात का, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशल ले ली है। बाकी जो है मतलब कि मैं जो है ना दे लूंगी खुद ही सबको, साथ में ये भी सारा यार ड्राई फ्रूट ही है, ये 1/2 kg में बनवा लिया था, काजू, बादाम, और ये भी जो है अखरोट है, सब कुछ, ये सारा जो है ना मेरा ड्राई फ्रूट कलेक्शन है जी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।